अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। व्लॉग सारा देखिएगा, फुल व्यूज़ ही नहीं आ रहे। खैर, यहाँ पे मैं मोहम्मद हसन को घर भेज रही थी। वो माशाल्लाह से सारा दिन यहीं होता है, तो मैं गेट पे खड़ी हो जाती हूँ और साइड में घर है तो वो खुद ही चला जाता है। और उसके बाद कुछ रूटीन वगैरह का, शाम का काम वगैरह। यहाँ इस व्लॉग में मैंने ना फ्राइडे की रूटीन शेयर की है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पान खा रही थी, मीठा पान। और फ्राइडे के दिन है और यहाँ पे मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ। तो प्याज मैंने फ्राई कर ली और सारी ग्रेवी वगैरह बना के फिर मैंने तह लगाना स्टार्ट कर दी। राइस मैंने बॉयल कर लिए थे। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड से काम कर रही थी, मुझसे हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने मोबाइल चेंज किया, मोबाइल लेफ्ट हैंड में पकड़ा और राइट हैंड से मैंने काम स्टार्ट किया। क्योंकि मैं राइट ही हूँ तो ज़ाहिर बात है लेफ्ट हैंड से तो काम होगा ही नहीं। यहाँ पे मेरा अच्छा खासा मसाला नीचे गिर गया था इस लेफ्ट हैंड के काम के चक्कर में। फिर फाइनली मैंने राइट हैंड से काम स्टार्ट कर दिया। तो बिरयानी को तवा वगैरह लगा के, दम लगा के मैंने छोड़ दिया। और मुझे जर्दे का रंग अब भी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया और बिरयानी को दम लगा दिया। यहाँ पे मसाला नीचे गिर गया था। तो यहाँ पे मैं रायता बना रही थी। ये मैंने ग्राइंडर लिया है तो उसकी वजह से ना ज़िंदगी आसान हो गई है, काफ़ी आसान हो गई है। हर चीज़ बन जाती है। शामी कबाब का मसाला वगैरह भी मैं इससे ग्राइंड करती हूँ। साग भी ग्राइंड करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। इसका पता नहीं क्या इशू है कि ज़्यादा यूज़ करो। मतलब दो तीन चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली तो उसके बाद गर्म हो जाता है, तो मुझे फाइनली मतलब बंद करना पड़ता है फिर। और यहाँ पर मैं बिरयानी की लुक दिखा रही थी कि काफ़ी अच्छी बनी थी। यहाँ पे वही सीन हुआ था कि मैं लेफ्ट हैंड से मोबाइल पकड़ा हुआ था तो वीडियो वो ना उल्टी आती है दिखाने में, तो उसको मैंने कट करके फिर चेंज किया है राइट साइड की तरफ ताकि वीडियो में बिरयानी सीधी नज़र आए, उल्टी नहीं। तो यहाँ पे मैं बिरयानी को मिक्स करने लगी थी। फ्राइडे का दिन था, थोड़ी सी फ्राइडे की रूटीन। और फिर घर की शाम को मैंने फर्श वगैरह धोया था तो उसकी थोड़ी बहुत रूटीन। तो बस यही है, व्लॉग है, देख लिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। व्यूज़ आ ही नहीं रहे। अच्छा खासा चैनल मेरा ऊपर चढ़ा था, फिर मैंने व्लॉग डालना छोड़ दिया था क्योंकि कुछ करने को है ही नहीं, बस यही घर की रूटीन होती है। तो व्लॉग बन ही नहीं पा रहा था। फाइनली अब व्लॉग्स बनाती हूँ लेकिन चैनल बिल्कुल डाउन हो गया है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मैं नमाज़ की तैयारी कर रही थी और नमाज़ का टाइम हो गया था। आई थिंक सो ये कोई जोहर या असर की अज़ान थी, नमाज़ में पढ़ रही थी। तो एक वीक पहले का ब्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ है तो मुझे याद नहीं है सही से। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट कर ली थी, तो उसके छोटे मोटे क्लिप्स मैंने थोड़े से ऐड किए थे। और यहाँ पे शाम का टाइम था जहाँ पे मोहम्मद हसन और मैं फर्श साफ़ कर रहे थे, तो हसन ना यहाँ पे अपना सर खुजा रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा था। और उसने सिर्फ गर्म कपड़ों में पानी डाला है और मैंने सारा फर्श धोया है। तो हम शाम को ना यही रूटीन होती है हमारी और हसन की, है ना हसन? यस। हाँ, हम शाम को यही करते हैं, फर्श वगैरह धोते हैं, गमलों में पानी डालते हैं, या तो फिर मैं कुकिंग करती हूँ और हसन मोबाइल चलाता है, ये मेरी एडिटिंग वाली मोबाइल। तो यही रूटीन होती है। और सना भी आती है माशाल्लाह से, वो शायद उस दिन सोई हुई थी, वो नहीं आई थी। यस, हाँ, ये सो गई अकेला थी। सो गई थी ना, तो सिर्फ हसन ही आया था। और आज भी माशाल्लाह से हसन ही आया है, सना शायद सोई हुई है और आज काफ़ी लेट करके आए हैं ना सन। यस। हाँ, आजकल इसकी तबीयत सही नहीं है तो ये स्कूल नहीं जा रहा, इसकी वजह से ये सारा दिन मेरे पास होता है। और मेरे पास होता है तो सारा दिन क्या करता है, सिर्फ मोबाइल चलाता है, आराम करता है। तो व्लॉग फुल देखना, व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करना और बाइक की आवाज़ को इग्नोर।
है ना? हाँ सर, आप क्या बोलेंगे? मैं बोलो, कुछ बोलो बोलो, लाइक करो। 100 के लाइक कर दो। 100 क्या, यहाँ पे 5 के नहीं आते, 5 वगैरह भी नहीं आते लाइक्स, और 500 के कर दो। कुछ भी नहीं आता। क्या नहीं आता? कुछ भी नहीं आता, व्यूज भी नहीं आते। एक व्यूज भी नहीं आता। हाँ, एक व्यू भी नहीं आता। तो अल्लाह हाफिज़।